मैं सबसे ज्यादा जो इस मैच में देखूंगा दैट इज गोइंग टू बी टीम स्टार. टीम स्टार को देखना मैंने इस मैच के अंदर. टीम बबलू अगेन थ्री मैन ज्वाइन कर रही है. प्रॉली यहाँ पे पिछले मैच में हमारे पास टीन वुल्फ थे, दानी नहीं थे. इस मैच में टीन वुल्फ नहीं है और दानी यहाँ पे, तो ये क्या चल रहा है इनके स्क्वाड के बीच में. शायद ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो बाकी टीम्स हैं वो उनको इतना हल्के में ले रहे हैं कि हमारे सिर्फ तीन ही प्लेयर ज्वाइन करेंगे और वही डोमिनेंस दिखा देंगे. इस तरह का कुछ सोचा जा रहा है शायद इनकी तरफ से. वो क्लियरली शो करेंगे ब्रो, हम अपनी सारी फोर्सेस के साथ नहीं आएंगे. अगर हम आगे तो हम तुम्हारा, वो होता है ना कि लाइक एक्शन वो साथ होते हैं स्पॉटलाइट वो स्टील कर लेंगे. सो लेट लाइक आप जाके शुगर वगैरह लगा लो. हम आरजी मैच का पहला नॉक टीम लिली एलएनजी की लिली को जाता हूं. आई एम प्रीटी शॉक्ड इस नॉक को देख के. एक बहुत अच्छा नॉक निकाला लिली ने. अब देखना होगा इस मैच में किस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रहती है. मैं तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पिछले मैच की तरह लिली जो है वो शायद फिर से जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी विदाउट गेटिंग अ सिंगल लोग. लेकिन इस मैच की शुरुआत ही अपने नॉक से करती है तो डेफिनेटली एक अच्छा मैच होने वाला है आरसी. बिल्कुल वही वाली बात है, अच्छा मैच तो होने वाला है. लिली के लिए होगा, 47 के लिए होगा, किसके लिए होगा तो हमें देखना पड़ेगा. बट यहाँ पे 47 के सामने लेजेंड का स्क्वाड भी मौजूद है. यहाँ पे खलीफा काफी ज्यादा डैमेज लेते हैं बट जी यहाँ पे स्पॉट हल्का सा कर देते हैं. उनको पता है किधर मौजूद है और ये किल 47 लाजमी लेना चाहती है बट दे हैव टू बी केयरफुल. वही बात है, बॉस्को लेफ्ट साइड पर मौजूद है, वहां से अगर फ्री फायर आ गया, शॉट्स आ गई तो यहाँ पे 47 के लिए जवाब बन चुका है. बिकॉज 47 अब यहाँ पे कमिट कर चुकी है और यहाँ से पीछे जाने वाला कोई सीनियर. वही मैं बात करता हूँ, नेक्सी को स्पॉट किया हुआ है, नेक्सी को नॉक डाउन चुके हैं और अब इस मौके पे इस जगह पे आप अपने मेंबर को रिवाइव करना बहुत मुश्किल सीन है. बट खलीफा यहाँ पे काफी ज्यादा वो कवर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. एग्जैक्टली खलीफा यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं. पर खलीफा यहाँ पे क्या स्पॉट करेंगे सामने, लेकिन के जी रहने वाले जी इस वक्त एक डब्बे के अंदर मौजूद है और डब्बे में जी इस वक्त पर लेसी जी किस तरह से ये मैच निकालते हैं. बट नो प्रोन हो चुके हैं अगेन. ओके डब्बे के बाहर जा चुके हैं अब, लेकिन टीम 47 दे आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर हिम, दे आर ट्राइंग टू हॉन्ट हिम डाउन. कोशिश करें कि जी को यहाँ पे स्पॉट करके उनका जो खरगोश वाला जो सर है उसको यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे. बिकॉज यहाँ पर शिकार किया जाने लगा टीम 47 की तरफ से लेजेंड्स के जी का. सी थ्रोन डाउन हो चुके हैं, वेट करें कि सामने कोई उनके प्लेयर आए और वो यहाँ पे नॉक निकाले इस वक्त अपनी टीम के लिए. बहुत अच्छा नॉक दिखाने की कोशिश करें पर बॉस्को यहाँ पे आ चुके हैं एंड इस वक्त जो है वो मनी हाइस्ट के बॉस्को मेरे सामने मौजूद रहने वाले हैं. विल हैव टू सी किस तरह से मैच निकालते हैं बॉस्को. बिल्कुल, बट इस दफा इनका गोल पैसे नहीं होना चाहिए, वो चिकन डिनर होना चाहिए. वो मुर्गी ढूंढे कहाँ पे है और वो तलाश करें उसी डब्बे में मौजूद है जहाँ ये घूम रहे हैं. लेकिन देखना पड़ेगा. बात करते हैं दूसरी तरफ, यहाँ पे मर्सीलेस मेडिक के सामने नेक्स्ट जन ई स्पोर्ट का स्क्वाड मौजूद है, लिली का स्क्वाड मौजूद है यहाँ पे. और ये वाली बात करें तो अगेन वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड यहाँ पे मौजूद है. बट एक बात जो मेडिक की है कि यहाँ पे एक ही घर में सारे समाये हुए हैं और एक घर में समाना है बहुत डेंजरस होता है. एग्जैक्टली प्रॉली यहाँ पे जो है वो ज्यादा अवश्य के रेंट से बचाया जा रहा है, ज्यादा घरों में जो है मूवनिंग किया जा रहा है इनकी तरफ से. पर यहाँ बात की जैसे कि रिलैक्स में जूझ रहे हैं, सामने स्पॉट करेंगे, इसके सामने लेजेंड का स्क्वाड रहने वाला है. लेजेंड्स वर्सेस टीम 47 एंड 47 के प्लेयर स्पॉट करेंगे ऊपर से के वट्टे ना मारे इनको शायद. पर डेफिनेटली यार यहाँ पे पबजी में इसका फ्यूचर नहीं रहने वाला एंड आगे मूव कर रहे हैं. पर खान की बात कीजिए वो यहाँ पे मौजूद है. खान 420 47 के प्लेयर इनके सामने लेजेंड के जी रहेंगे. जी को यहाँ पे स्पॉट किया जा सकता है यहाँ पे ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, लेकिन जी यहाँ पे नॉक होते हुए लेजेंड्स के लिए दिक्कत पड़ती है. ओके मौली को तोड़ने की कोशिश की जाती है इनकी तरफ से, पर समीर एक अच्छी पोजीशन पे जरूर है. रिव्यूज आगे मूव करेंगे, समीर यहाँ पे दो प्लेयर्स को नॉक कर सकते हैं एक साथ. क्या यहाँ पे समीर नॉक कर पाते हैं देख लो. यहाँ पे खलीफा सामने रहेंगे, तीन प्लेयर्स चार प्लेयर्स यहाँ पे इनके सामने रहने वाले हैं. पर समीर यहाँ पे डैमेज नहीं देते हैं करना चाह रहे, लेकिन समीर के प्रश्न किया जाएगा उसके लिए तीन प्लेयर्स की तरफ से. समीर स्पॉट करते हैं, एक करते हैं दूसरे को नॉक करने की कोशिश की जाएगी. पर समीर गेट्स एलिमिनेटेड. लेजेंड्स का स्क्वाड इस मैच से आवश्यक